क्या बोलोगे, है ना नेक्स्ट लेवल। हाँ तो जैसे आपने थंबनेल में देखा रहेगा, आज हम एक छोटी सी राइड पे जा रहे हैं जो है मालशेज घाट और नानी घाट। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और थोड़ी देर में हम नदी नीचे जाएंगे और निकलेंगे, तो मिलते हैं नीचे आप। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम निकल रहे हैं। पहले तो ये ट्रिप को हम ज़ीरो करते हैं, सेकंड ट्रिप को भी ज़ीरो करते हैं। ये जो एवरेज है इसको भी हम ज़ीरो करते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सो गाइस हम हमेशा की तरह गणपति बप्पा के दर्शन लेंगे और फिर आगे निकलेंगे। गाइज इस बार भी हमारा पार्टनर वरद, जो हमारे साथ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के राइड पे आया था, हमारे साथ अभी फिर से है। हमारा प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, लेकिन अभी बज रहे हैं 6:15, तो 15 मिनट लेट है। तो गाइज अभी हम साकेत पहुंचे हैं, जो थाने में है। यहाँ से हम लेंगे मुंबई आगरा हाईवे। तो आप देख सकते हैं ये है मुंबई आगरा हाईवे और आप देख सकते हो कितने ट्रक है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी भिवंडी में गोडाउंस है, जिसके वजह से यहाँ पे काफ़ी हैवी व्हीकल्स की ट्रैफिक होती है, गुड्स कैरियर। तो आप देख सकते हैं ये सुबह का माहौल कैसा है, काफ़ी धुंध है यहाँ पे, फॉग है and the climate is quite pleasant. Guys, यहाँ पे गंदा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, पता नहीं पिछले 10 मिनट से हम ऐसे ही ट्रैफिक से गुजर रहे हैं। होप सो ये जल्दी खुल जाए। हम थोड़े ट्रैफिक थोड़ा खुल गया है, पता नहीं यार ये क्यों ट्रैफिक था, क्योंकि ना कोई गाड़ी बंद है ना कोई एक्सीडेंट है, कुछ भी नहीं है। ये हैवी गाड़ियों की वजह से जो आगे पीछे करना चाहते हैं सबको ओवरटेक करना है। एक 40 पे ओवरटेक करा है, एक 41 पे ओवरटेक करा है। गाइस आप राइट पे देख सकते हैं सूरज देवता निकल आए हैं। काफी खूबसूरत नजारा है। वैसे अभी हम ये हाईवे से राइट लेंगे टुवर्ड्स कल्याण।
गाइस पूरा माहौल चेंज हो गया है, आप देख सको दोनों तरफ इतनी हरियाली है और जो पेड़ जो लगे हैं रोड के दोनों तरफ बहुत खूबसूरत लग रहा है। टेम्परेचर भी थोड़ा अभी कम है, हल्की सी ठंड लग रही है। आप देख सकते हैं ये रोड इतना स्मूथ है, ना कोई गड्ढा है ना कुछ भी नहीं है, और जो राइड के लिए जो मजा आ रहा है दोनों तरफ देखोगे हरियाली हरियाली है, हल्की सी धूप निकल रही है अभी। भाई साहब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। हफ्ते में अगर आप एक दिन ऐसे करते हो आपका पूरा हफ्ता रिचार्ज होता है। अभी हमने एक यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लिया है 10 मिनट के लिए। तो ये है हमारी ब्यूटी, अभी हम अगला स्टॉप लेंगे टोकरवड़े जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे होटल साईराज करके। ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। गाइस अभी हमने यहाँ पे मिसल मंगाई है, मिसल इज रियली वेरी गुड, आप देख सकते हो। अभी आगे खा चुका हूँ मैं, सॉरी इतनी भूख लगी थी कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, हम निकलेंगे यहाँ पे। हम लोगों ने मिसल खाई और काफ़ी टेस्टी थी मिसल। तो आप देख सकते हैं ये है होटल साईराज फैमिली रेस्टोरेंट, और सही में इट वाज वेरी टेस्टी। गाइस अभी हल्का हल्का चढ़ाई शुरू हो गई है, बहुत हल्की है, इट मीन्स दैट वी आर नियरिंग द माउंटेन्स। आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है। दोनों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के ये साइड से ये रोड जा रहा है, मतलब और क्या चाहिए आपको बोलिए। हफ्ते में एक दिन आप आओगे यहाँ पे या फिर ऐसी कहीं किसी जगह पे तो आपका पूरा हफ्ता चार्ज हो जाएगा, और आप राह देखोगे कि अगला सैटरडे संडे कभी आ रहा है ताकि आप फिर से निकल पड़ो। चलो अभी यहाँ से हम निकलते हैं। हमने अभी पहने हैं अपने ग्लेयर्स क्योंकि अभी धूप थोड़ी चढ़ रही है, अब ग्लेयर से आंखों को थोड़ा सुकून मिल जाता है। देखिए राइट साइड में एक छोटा सा वाटरफॉल है। जब इस रास्ते पे आओगे तो भाई नजारे ही नजारे हैं। अब आपको समझ नहीं आएगा कि आप राइट से देखें या लेफ्ट से देखें। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स है, अगर आपको अगर भूख लगती है कुछ खाना है तो आप यहाँ पे खड़े रह के खा सकते हो और इन नजारों का मजा भी ले सकते हो। गाइस वी आर एट माचेस घाट नाउ। आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है। तो दिस आर बेसिकली ये व्यूइंग गैलरीज बनाई है, इट्स नॉट अ गैलरी एग्जैक्टली, ये व्यूइंग पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ से आप माचेस घाट को अच्छी तरह से देख सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे, तो कुछ अगर सामान है आपका तो ऐसे छोड़ के मत जाइए क्योंकि इनका भरोसा नहीं है, उठा के लेके जा सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ से आप माचेस घाट देख सकते हैं।
देख सकते हो बंदर छोटा सा और ये बड़ा सा और ये मीडियम सा है। सो गाइस दिस इज अ ब्रेथ टेकिंग व्यू, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। ये नज़ारे दिखाते समय मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इनफैक्ट ये नज़ारों की खूबसूरती जस्टिफाई करने के लिए कोई शब्द की ज़रूरत नहीं है। मालचीज से अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि अभी बज रहे हैं 5 और सूरज देवता अपने घर जाने के पहले हमें ये घाट नीचे उतरना है। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। बस ये देखिए आखिरी नज़ारे मालचीज के, क्योंकि अगली बार हम कुछ नया लेके आएंगे। तो भाई हम इसी रास्ते से आए थे, अभी हम रिटर्न जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता हम ये रोड फिर से आपको दिखाएं। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक यू। तो ये इस जगह की एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, मैं आपको बताऊँगा कि नानीघाट क्या है और इसका नाम नानीघाट क्यों है।